अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ चंचल कुमार। मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में दो मोटरसाइकिल पर सवार चार हथियारबंद अपराधियों ने बैंक के कर्मी से लूट के घटना को अंजाम दिया गया है। पूरा जो मामला है वो बिहार के मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के जयरामपुर टपरा टोला वार्ड 10 के समीप घटना घटित हुई। जो पूरा मामला है वो यह है कि मुरलीगंज सीमा से सटे जानकी नगर रामपुर तिलक में एक निजी बैंक कर्मी के द्वारा जो है महिलाओं को ग्रुप में रुपया दिया जाता था, जिस रुपये में जो है लोन की राशि को जो है कलेक्शन कर वापस मुरलीगंज के ही रेलवे डाला के समीप बैंक में उनको आना था, लेकिन जो कलेक्शन करके वो आ रहे थे तो इस बाबत की सूचना को लेकर जानकी नगर थाना के पुलिस बल के द्वारा वो कैश लेकर मुरलीगंज थाना क्षेत्र में इंटर किए और वहां से फिर जानकी नगर थाना के पुलिस बल वापस हो गए। जैसे ही मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रामपुर टपरा नवटुलिया स्कूल के समीप आते हैं, दो मोटरसाइकिल पर सवार चार हथियारबंद अपराधी उस बैंक कर्मी को रोका गया और बैंक कर्मी भी दो मोटरसाइकिल पर चार थे जिन्हें हथियार के दम पर रोका गया और चाबी निकालने की बात कही, जिनका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई और फिर हथियार सटाकर उनके बैग में रखे करीब 121,165 रुपये राशि लूट ली गई। जैसे ही अपराधी वहां से रुपये लूट कर भागे तो वहां से जो बैंक कर्मी थे वो सूचना थाना को दिया। थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीछा किया, जो मुरलीगंज जयरामपुर आते आते उस जो अपराधी हैं उनको पकड़ा गया और अपराधी में एक व्यक्ति को तो पकड़ लिया गया जिनके पास से देसी कट्टा और कारतूस के साथ टैब को बरामद कर लिया गया, वहीं उनके अन्य तीन साथी फरार हो गए। हालांकि घटना में प्रयुक्त होने वाले दो मोटरसाइकिल, एक पल्सर और अपाची को जब्त कर लिया गया। इस पूरे मामले को जैसे ही मामले की बात फैली, लोगों को देखने के लिए जो भीड़ उमड़ पड़ी, इस पूरे मामले को लेकर जो है गिरफ्तार अपराधी से लगातार पूछताछ की जा रही है। उक्त बाबत की जानकारी जो है जो बैंक कर्मी थे, जो भारत फाइनेंस लिमिटेड एक बैंक निजी बैंक है जो छोटे लघु ऋण उपलब्ध कराती है व्यवसाय के लिए, उनके द्वारा यह उनके साथ यह घटना घटित हुई। इस पूरे मामले को लेकर जो है पूछताछ की जा रही है, मामले को लेकर जो है तहकीकात की जा रही है, लेकिन सबसे पहले चलते हैं जिनके साथ ये वारदात हुई उनके साथ क्या कुछ घटना हुआ और क्या कुछ इस संदर्भ में बता रहे हैं, पहले चलते हैं और सीधे सुनते हैं। रामपुर तिलक से मीटिंग करके जो कि वहाँ से छोड़ा, वहाँ से छोड़ने के बाद हम लोग को वहाँ से निकले जैसे तो आगे गांव पार करने के बाद स्कूल जैसे पार किए तो आके वहाँ से हमको रोक लिया तो फाइट से मुंह में मारने लगा, हेलमेट पहना हुआ था, हेलमेट फेंका गया, हेलमेट फेंकाने के बाद बोलता है चाबी दो, चाबी जैसे हम नहीं दे रहे थे तो कितना रुपये था अमाउंट करीब उसमें था 1,20,000 के आसपास में था मेरा। और क्या क्या सामान थे उसमें टेप था, बायोमेट्रिक था। गिरफ्तार अपराधी का मेडिकल कराया गया, मेडिकल के उपरांत उन्हें थाना ले जाया गया जहां उनसे पूछताछ की जा रही है, जो आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। जैसा कि आपने सुना कि उनके साथ जो वारदात हुई कि लुपेर रूट की घटना को अंजाम दिया गया है, इस पूरे मामले में पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से एक अपराधी को दो मोटरसाइकिल, हथियार व कारतूस के साथ तो गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले पर मुरलीगंज थाना अध्यक्ष राजकिशोर मंडल, जो गिरफ्तार अपराधी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस बैंक कर्मी से लूट के मामले का वो सफल उद्भेदन करेंगे। जो इस मामले में लूट के मामले में जो कहा जा रहा है कि अन्य जो तीन साथी फरार है वो लूट की राशि करीब 121,165 रुपये लेकर फरार हो गए हैं, एक टैब भी लेकर भागे थे, लेकिन कुछ दूरी पर जो है उनको बरामद कर लिया गया है जो पकड़े गए अपराधी हैं। लेकिन जिस पूरे बिंदु पर है जो मुरलीगंज पुलिस जो है तत्परता के साथ काम कर रही है, पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही इस पूरे मामले का उद्भेदन करेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मुरलीगंज के एक निजी बैंक के कर्मी से हुए लूटकांड के मामले का कब तक वो सफल उद्भेदन कर पाती है। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें मधेपुरा के मुरलीगंज से। ब्यूरो रिपोर्ट अनुभवी आंखें, चंचल कुमार। आप हमारे इस प्रयास और वीडियो के बारे में क्या कुछ कहते हैं, अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हां पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।